हेलो एंड नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर योगेंद्र और आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल डॉक्टर योगेंद्र बोला एंड हेल्थ टिप्स। दोस्तों, आज हम बात करने वाले एक इम्पॉर्टेंट बीमारी के बारे में। इस बीमारी का नाम है विटीलिगो, जिसको हम आम भाषा में सफ़ेद दाग भी बोलते हैं। दोस्तों, विटीलिगो को ल्यूकोडर्मा और वाइट लेप्रेसी भी बोला जाता है। दोस्तों, विटीलिगो एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर यानी कि जो हमारे शरीर के अंदर से ही बनता है, बाहर से कोई कीटाणु वगैरह नहीं आता। इस बीमारी में क्या होता है, हमारे शरीर के जो डिफेंस सिस्टम है, जो हमारे इम्यून सिस्टम है, वो हमारे सेल्स, शरीर के ऐसे सेल्स को नुकसान पहुँचाता है जो हमें रंग देने का काम करते हैं, उनको हम मेलानोसाइट्स बोलते हैं। ऐसे सेल्स जो हमारे शरीर के अंदर मेलानिन नाम का पिगमेंट बना के हमारे शरीर को नॉर्मल रंग मिलता है। अब इस बीमारी में क्या होता है कि ये जो सेल्स हैं, ये रंग बनाने का काम बंद कर देते हैं, तो शरीर का वो हिस्सा कुछ अलग थलग दिखता है, सफ़ेद दिखता है, वाइट दिखता है, वाइट पैचेस दिखते हैं, जिसको हम बोलते हैं विटीलिगो यानी कि सफ़ेद दाग। तो ये बीमारी हमारे शरीर के अंदर से ही बनती है दोस्तों, बाहर से कोई इन्फेक्शन नहीं आता। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात ये जानना ज़रूरी है कि ये बीमारी कोई फैलती नहीं है, यानी कि अगर मुझको ये बीमारी है तो मेरे बीवी बच्चों को परिवार में किसी को फैलेगी नहीं, फैलने वाली बीमारी नहीं है। इट्स नॉट इन्फेक्शियस कंटेजियस। परंतु इस बीमारी में एक कॉस्मेटिक प्रॉब्लम है, दिखने में बुरा लगता है। अगर मुझको विटीलिगो पूरे शरीर पर है, कहीं कहीं भी चेहरे पे है, तो मैं थोड़ा संकोच करूंगा लोगों से मिलने में, सोसाइटी में जाने से, दिखने में थोड़ा बुरा ज़रूर लगता है। तो ये कॉस्मेटिक प्रॉब्लम है, बाकी शरीर में इस बीमारी से कोई हानि नहीं पहुंचाती। वो इंसान अपनी नॉर्मल लाइफ जीता है, जी सकता है, इस बात का भी ध्यान रखेंगे दोस्तों। दोस्तों, आज हमने ये वीडियो 100% एफर्ट्स लेके बनाया है, आपको ऑथेंटिक और साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन के साथ मेडिसिन ट्रीटमेंट के बारे में जानकारी देंगे। दोस्तों, विटीलिगो इस बीमारी का कोई यूनिवर्सल ट्रीटमेंट नहीं है। इसके सारे बहुत सारे ऑप्शन है ट्रीट करने के, बहुत सारे तरीके हैं। कोई फोटोथेरेपी यूज़ करता है, कोई मेडिसिंस, ओरल मेडिसिंस टैबलेट्स यूज़ करते हैं, कोई क्रीम्स यूज़ करता है, कोई लेज़र थेरेपी, सर्जरी वगैरह बहुत सारे ऑप्शंस है, परंतु कोई गारंटेड ट्रीटमेंट नहीं है। कोई डॉक्टर ये नहीं बोल सकता भाई ये ट्रीटमेंट लो और 100% ट्रीट हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। इसमें ट्रीटमेंट मिलने पर, रेस्पॉन्स मिलने का ट्रीटमेंट पर, फिर रिलैप्स होने के भी चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसलिए बहुत सारे डॉक्टर्स अवॉइड करते हैं, बोलते हैं कि इस बीमारी को हम ठीक नहीं करना चाहेंगे। परंतु दोस्तों, आजकल जो मेरा 20 इयर्स का एक्सपीरियंस है, उसमें मैंने देखा है कुछ ऐसे मेडिसिन हैं, क्रीम्स हैं, जिनका यूज़ करने से पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं, अच्छे रिजल्ट्स हैं, वो हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले जो अच्छा रिजल्ट आजकल देखने मिलता है वो है टेक्रोज फोर्ट क्रीम का, और इसके अंदर जो मेडिसिन है वो है टेक्रोलिमस 0.1%, और दवा का नाम है टेक्रोलिमस ऑइंटमेंट। दोस्तों, टेक्रोलिमस ऑइंटमेंट का जो ब्रांड नेम हम बता रहे हैं आपको, वो है टेक्रोज फोर्ट, ये ग्लेनमार्क कंपनी का है, और ये आजकल रिसेंट स्टडीज़ में देखा गया वेरी सेफ़ है, काफ़ी इसके अच्छे रिजल्ट्स है, सेफ़ है और इसके साइड इफ़ेक्ट्स कम है। आप स्क्रीन पर दे सकते हो फोटो, लंबे समय भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, गुड फॉर लॉन्ग टर्म यूज़, और रिजल्ट्स देखने में थोड़ा टाइम लगता है, 3 to 4 weeks लग जाता है। और इस क्रीम को आप हमारे चेहरे पर और आईलिड्स पे भी लगा सकते हैं, और इसको लगाना होता है दिन में 2 बार, अप्लाई ट्वाइस ऑन डे, ड्राई स्किन, स्किन की जिधर भी पैचेस उनको ड्राई करके सुबह शाम 2 टाइम लगाना होता है, और मिड डे यानी दोपहर को 12 बजे के आसपास सन का एक्सपोजर लेना होता है। ज़्यादा गर्मी है तो 5 मिनट, और जब सर्दियों का समय होता है तो 10 मिनट सन का एक्सपोजर। थोड़ा इस ट्यूब कॉस्टली आती है, 500 रुपीज़ यानी 500 रुपये की ट्यूब लगभग 10-15 ग्राम की आती है। तो दोस्तों, जो सबसे पहला ट्रीटमेंट ऑप्शन है, सेफ है, फास्ट है, इफ़ेक्टिव है, वो है टेक्रोलिमस 0.1% ऑइंटमेंट। दूसरा जो है दोस्तों, कॉर्टिकोस्टीरॉइड्स यानी स्टीरॉइड क्रीम्स, इसके अंदर हम आपको बताएंगे आज, जो क्रीम का नाम ही बता देता हूँ, जो क्रीम में जो दवा है कॉर्टिकोस्टीरॉइड में, वो है मोमेटासोन, और हम जो क्रीम बता रहे हैं वो फेमकॉट, आप स्क्रीन पर दे सकते हैं। तो दोस्तों, जो मोमेटासोन क्रीम है ये कॉर्टिकोस्टीरॉइड है, और जो कॉर्टिकोस्टीरॉइड क्रीम्स है विटीलिगो में, सफ़ेद दाग में जो स्मॉल पैचेस है शरीर पे, मानो छोटे पैच है, बड़े पैच नहीं,
छोटे पैच और जो रिसेंटली डेवलप्ड हुए नए नए बने नया नया जो पैच है और नया पैच है छोटा पैच है उसमें ज़्यादा कारगर होता है फेमकॉट यानी मोमेटासोन। और ये इसके शॉर्ट टर्म यानी कि हमको ज़्यादा दिन नहीं लगाना होता कि उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं, जैसे हम स्टीरॉयड क्रीम के जानते हैं, ये छोटे बच्चों में और एडल्ट में दोनों में कारगर होता है, फ़ायदेमंद होता है, एडल्ट में भी फ़ायदेमंद होता है, बच्चों में भी फ़ायदेमंद होता है। बस इसका थोड़ा ये ध्यान रखना पड़ता है कि इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स बनते हैं, डर्मो एपिडर्मल एट्रोपी यानी ज़्यादा स्किन पे लगाने से स्किन को सुखा देता है और कई बार कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी देखने मिलते हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो दूसरा ट्रीटमेंट ऑप्शन है दोस्तों मोमेटासोन क्रीम, जो कि कॉर्टिकोस्टीरॉइड क्रीम है, इस बात का ध्यान रखेंगे। थर्ड जो ट्रीटमेंट ऑप्शन है दोस्तों वो है एक आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट यानी कि पिगमेंटो ऑइंटमेंट और पिगमेंटो टैबलेट। इसके अंदर जो मेन दवा है वो है बाकुची। बाकुची एक हर्ब है, आयुर्वेदिक हर्ब है, जिसका जो एक्सट्रैक्ट होता है वो मेलानोसाइट्स हमारे जो स्किन के जो सेल बना रंग बनाने काम करते हैं उनको स्टिमुलेट करता है, उनको उत्तेजित करता है ताकि वो रंग बना सके और नॉर्मल काम में आ सके। एक आयुर्वेदिक ट्यूब है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी काफ़ी कम है और इसके साथ पिगमेंटो टैबलेट भी आता है। इन दोनों का डॉक्टर्स मिला के उपयोग करते हैं। टैबलेट को लेना पड़ता है 2 टैबलेट दिन में 2 टाइम सुबह शाम लगभग 3 से 6 महीने, और ऑइंटमेंट को भी दिन में 2 बार लगाना पड़ता है सुबह शाम, और धूप का एक्सपोजर लेना पड़ता है। तो दोस्तों यह है पिगमेंटो ऑइंटमेंट एंड टैबलेट, जिसमें जो मेन हर्ब है वो है बाकुची। फोर्थ ट्रीटमेंट ऑप्शन जो आजकल बहुत कारगर रिसेंटली देखा गया है वो है दोस्तों मिनी पल्स थेरेपी, ओरल मिनी पल्स थेरेपी, यानी कि इसके अंदर कॉर्टिकोस्टीरॉइड स्टीरॉइड टैबलेट्स का इस्तेमाल होता है, पर वो पल्स थेरेपी यानी कि 7 दिन में सिर्फ 2 ही बार टैबलेट देते हैं। इसके पीछे ये रीज़न है कि साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हो, हम जानते हैं कि स्टीरॉइड टैबलेट्स के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो मिनी पल्स थेरेपी में क्या करते हैं दोस्तों, स्टीरॉइड टैबलेट्स का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये जो भी विटिलिगो जिन लोगों को सफ़ेद दाग है और बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, जो प्रोग्रेसिव हैं एग्रेसिव हैं पैचेस बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, उनको रोकने के लिए मिनी पल्स थेरेपी का उपयोग होता है। और मिनी पल्स थेरेपी का दोस्तों साइड इफ़ेक्ट भी कम होता है, इसको ऐसा यूज़ करना होता है बीटा मिथासोन टैबलेट 5 mg सिंगल ओरल डोज, मंडे को ले लिया ब्रेकफास्ट के बाद में, फिर अगले दिन ट्यूसडे को ले लिया, यानी 7 दिन के अंदर वीक के अंदर सोमवार को 5 mg टैबलेट ले ली और मंगलवार को अगले दिन 5 mg टैबलेट ले ली 2 consecutive days आफ्टर ब्रेकफास्ट, फिर वापस अगले सोमवार मंगलवार को लेना है। इसको हम बोलते हैं पल्स थेरेपी और 2 से 4 महीने इसका उपयोग करते हैं। डॉक्टर्स को काफ़ी अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले हैं, और भी रिसर्च की ज़रूरत है, पर ये एक ट्रीटमेंट ऑप्शन भी है डर्मेटोलॉजिस्ट के पास, स्किन स्पेशलिस्ट के पास, जो हमने देखा है वो उपयोग कर रहे हैं और अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। जो एग्रेसिवली बढ़ रहे पैचेज हैं वो तुरंत रुक जाते हैं, फैलते नहीं, बढ़ते नहीं, और रीपिगमेंटेशन उन पर कलर आना भी शुरू हो जाता है। तो दोस्तों आज हमने आपको विटिलिगो सफ़ेद दाग के क्या क्या लेटेस्ट ऑप्शंस हैं ट्रीटमेंट के, उनके कैसे उनको उपयोग कर सकते हैं, क्या उनके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, ये हमने आपको जानकारी दी है। आशा करते हैं ये वीडियो आपके उपयोगी होगा। इस वीडियो को आप लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। कोई भी आपके डाउट्स हो, कमेंट्स हो, सजेशंस हो, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए, कृपया सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे वीडियोस हम आपको और ला कर दे सकें। मैं मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको दे रहा हूँ, कोई भी आपका सजेशन हो, इफ़ यू नीड ऑनलाइन कंसल्टेशन ऑन व्हाट्सएप, यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन द गिवन बिलो नंबर। दोस्तों आप अपना और अपने परिवार का खूब ध्यान रखिएगा। मैं डॉक्टर योगेंद्र मिलता हूँ आपको एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।